ये तस्वीरें आप लाइव विजुअल जो है प्रेस क्लब के बाहर के देख रहे हैं, और ये आप देखिए क्या लिखा है, नो पीएससी रिक्वायरमेंट सिंस 2008, वी स्प्रेड द स्माइल, डोंट रियून अवर स्माइल्स। जी हाँ, हम खुशियाँ बिखेरते हैं, हम सबके चेहरों पर जो है स्माइल लाते हैं। हमारी स्माइल को क्यों रियून कर रहे हो, क्या है मामला, आफ्टरऑल क्यों? तमाम डेंटल सर्जन यहाँ पर मौजूद हैं। सर क्या वजह है आज कोविड के सिनेरियो को देखते हुए, अभी तो खैर लॉकडाउन खुला, रिलैक्सेशन मिली हैं, ऐसी कौन सी डिमांडें हैं जो आपकी अभी तक सरकार जो है अनदेखी कर रही है? सर हमारी जो पोस्टें हैं डेंटल सर्जन्स की 2008 के बाद 13 साल हो चुके हैं, अब 2021 हो गया, नहीं निकली हैं। कोरोना के टाइम पे भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हम सड़कों पे आ रहे हैं, वैसे हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, मगर ये हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें मजबूर किया गया है सरकार की तरफ से आज सड़कों पर आने के। हम पहले भी 2014 में भी आ चुके हैं, और हर साल हम सड़कों पर आते हैं, हर साल सड़कों पर आते हैं, मगर सरकार को इसका बिल्कुल भी असर नहीं होता है, हमारे ऊपर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं कर रही है। आज डेंटल सर्जन की हालत बद से बदतर होती जा रही है, हमारी हालत बहुत ख़राब है, सरकार हमारी सुनती नहीं है। हम लोग आज कोरोना से नहीं मरेंगे तो बेरोजगारी से मर जाएंगे, इसलिए आज हम सड़कों पे हैं। तो आज सड़कों पर हैं ये कोरोना से नहीं तो बेरोजगारी से। कुछ डॉक्टर्स और भी यहाँ पर हैं, इनसे भी हम कुछ पूछेंगे कि हाथों में शट डाउन डेंटल कॉलेजेस इफ़ यू कांट प्रोवाइड जॉब्स, ये बिल्कुल ये इनकी जायज़ मांग है कि आप बंद कर दीजिए डेंटल कॉलेजेस अगर आप हमें जॉब मुहैया नहीं करवा सकते, वी वॉन्ट जस्टिस। आज COVID-19 के सिनेरियो के दौरान पिछले एक साल से, और हम हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, और COVID-19 के दौरान ये कोरोना वॉरियर, फ्रंटलाइन वॉरियर्स आज मजबूर हैं अपनी जॉब्स को लेकर यहाँ सड़कों पर। क्या कहोगे कि क्यों अभी तक आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही या फिर ध्यान नहीं दिया जा रहा? सर मुझे नहीं पता कौन सी नींद की गोलियाँ खा के बैठी एडमिनिस्ट्रेशन, हम खुद दो तीन बारी एडमिनिस्ट्रेशन के LG सर से हमने बात की थी, उनने हमें श्योरिटी दी थी कि हम पोस्टर निकालेंगे, पर सर 2008 से आज तक 13 साल हो गए, एक भी डेंटल पोस्ट नहीं आई JKPSC के थ्रू, इवन ना NHRM के थ्रू ना JKPSC के थ्रू। सर मेडिकल के निकालते हैं, वेटनरी के निकालते हैं, आयुष के निकालते हैं, उनके लिए फंड, से डेंटल को क्यों इग्नोर किया जा रहा है बीच में? तो डेंटल सर्जन इनको हेल्थ, हम क्या हेल्थ केयर सिस्टम का हिस्सा नहीं है, हमें हेल्थ केयर सिस्टम का हिस्सा नहीं समझते हैं? अगर नहीं समझते तो बंद कर दीजिए कॉलेज, पढ़ा क्यों रहे हैं फिर बच्चों को, क्यों इतना फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं? सर हर साल करोड़ों रुपया डेंटल कॉलेज के ऊपर जाता है, बंद कर दीजिए जब आपके पास आगे है नहीं, हर साल 300 स्टूडेंट निकाल रहे हैं तो फिर आप उनको कहाँ, इनके लिए रिक्रूटमेंट क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? जी बिल्कुल, मांगे इनकी लगातार कंटिन्यू। मैम क्या लगता है कि जहाँ लगातार सरकार प्रयास कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स जो हैं मुहैया करवाई जाएँ, बेरोजगारी दूर हो, वहीं पर आज डॉक्टर सड़कों पर है? हम आज से नहीं, हम 2008 से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट 2014 में हंगर स्ट्राइक हुई थी, इतने डॉक्टर्स बुरी हालत में थे, हर बारी गवर्नमेंट से कोई आता है हमें झूठे आश्वासन देकर बोल दिया जाता है कि डेंटल जॉब्स आएंगी, या तो बोलते हैं फाइनेंशियल ग्लिच है, फाइल यहाँ से वहाँ घूमती रहती है, कभी कुछ नहीं होता है। अभी भी हम रिसेंटली भी गए हैं, बट वो कहते हैं कि अभी तो कोविड टाइम चल रहा है, तो कोविड टाइम में तो रिसोर्सेज यूटिलाइज हो सकते थे, हम भी मेडिकल सिस्टम का पार्ट है, हमें भी अपने जो अर्ली ईयर्स होते हैं उसमें मेडिकल की पढ़ाई जाती है, ओरल स्क्रीनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है, अभी कोविड के कुछ स्वैब्स में ओरल स्क्रीनिंग में वहाँ पे हमें यूटिलाइज किया जा सकता था। इनफैक्ट जो ब्लैक फंगस और माइकोसिस है उसमें डेंटल के फीचर्स हैं, बट ये यूटिलाइज करने ही नहीं जाते हैं। हमें अब टेम्प्रेरी जॉब्स वैसे भी नहीं चाहिए, हम परमानेंट जॉब्स के लिए यहाँ पर हैं, हम चाहते हैं कि PSC हमें रिक्रूट करें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, PSC, CSC और वैकेंसीज हैं, ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज नहीं है, बट ये कहते हैं कि फाइनेंशियल ग्लिच है, कभी फाइल यहाँ पर टाल मटोले चल रही हैं, बोलते हैं हमें अपना क्लिनिक खोलो, हमने पढ़ाई में इतना पैसा खर्च किया है, अपनी दिन रात नींद खराब की है, और इतने साल से हम पढ़कर इस काबिल बने हैं, तो अब हम फिर फाइनेंशियल अपने फाइनेंसेस लगा के क्लिनिक खोलें, ये क्यों, कौन सी, मुझे तो इस बात का कोई तुक समझ नहीं आता है। अगर आपको लगता है कि हमें क्लिनिक ही खोलनी चाहिए तो प्लीज़ फाइनेंशियल सपोर्ट दीजिए, हम अपनी फैमिली पे इतनी देर से डिपेंडेंट हैं, हम उनको अब आगे से देना चाहते हैं, बट वो भी हम अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी दरख्वास्त है LG साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से, हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट से, प्लीज़ हमारे लिए सुनिए, हमारे लिए भी कुछ पोस्ट जनरेट कीजिए, जो भी फाइनेंशियल ग्लिच हैं आपके हैं, हमें नहीं पता है, हमने पढ़ाई की है, हम कैपेबल हैं, तो हमें जॉब्स मिलनी चाहिए। हमारी तरफ से कोई ग्लिचेस नहीं है, और ये आप देखिए तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर शट डाउन डेंटल कॉलेजेस इफ़ यू कैनॉट प्रोवाइड अस जॉब्स, ग्लिचेस हमारी तरफ से नहीं है, ग्लिचेस हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है, जो जल्द से जल्द दूर होने चाहिए, और ये आपके सामने ही है।
आज प्रदर्शन साफ तौर पर किया जा रहा है और ये इनका मानना कि अभी से नहीं 2008 से ऐसा ही चल रहा है। आखिरकार हमारी सुनवाई कब होगी? तो ये विजुअल्स आपके सामने हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं और आज मजबूर हैं कि कोविड 19 सिचुएशन के दौरान भी जो है वो इसी तरीके से आज जो है प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर कि इनकी मांगों की सुनवाई होगी। तस्वीरें आपके सामने हैं, आगे चलते हैं, हम आपको लेकर चलते हैं। कुछ और स्टूडेंट्स हैं, हाथों में आप देखिए पोस्टर्स पकड़े हुए हैं, तस्वीरें सामने हैं। लेकिन मैम क्यों सुनवाई नहीं हो रही है? आफ्टर ऑल ग्लिचेस कहाँ पर हैं? क्यों कहा जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन इतनी 2008 से चुप क्यों बैठी है? सर, आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट एलजी सर कि हमारी पोस्ट यहाँ निकाली जाए, बिकॉज वी हैव बीन सफरिंग फ्रॉम दिस थिंग फ्रॉम लास्ट 13 इयर्स एंड वी वांट जस्टिस फॉर दिस। बहुत जस्टिस की मांग है और ये तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। अब देखना ये होगा कि कब तक जो है इनकी मांगों की सुनवाई होगी। 2008 से लगातार ये अपनी जॉब को लेकर जो है प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। वी स्प्रेड स्माइल, डोंट रियून अवर स्माइल्स, और हम जो है खुशी बांटते हैं लेकिन हमारी खुशियों का भी ख्याल रखा जाए, हमारी खुशियां इस तरीके से तार तार ना की जाएं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से इनकी मांगों को सुनती है, ये देखने वाली बात होगी। जुड़े बस के साथ शाम जी के साथ राहुल खत्री, बाहु एक्सेस के लिए।